फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में इस्तकबाल है आपका। मानव समाचार में मैं हूं अब्दुल रहमान। इन दिनों सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स आयत हॉस्पिटल पर कई तरह के संगीन इल्जाम लगाता हुआ नजर आ रहा है। उस वीडियो की क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, ये सच्चाई भी हम जानेंगे। और उस वीडियो के वायरल होने के बाद खुद आयत हॉस्पिटल के डॉक्टर आफाक ने अपनी सफाई में लोगों के सामने आकर कुछ बातें पेश की है, और उनकी सफाई की तस्दीक में मालेगांव के कुछ सोशल वर्कर भी आए हैं। इस पूरे मामले में मानव समाचार को कई फ़ोन कॉल हुए। मानव समाचार से लोगों ने यह जानना चाहा कि मानव समाचार छोटे छोटे मुद्दों पर खबरें बनाता है, छोटी छोटी बातों को आवाम के सामने लाता है, हकायक आवाम के सामने लाता है, मगर आयत हॉस्पिटल के इस मामले की हकीकत या सच्चाई क्या है, इस मामले में मानव समाचार ने अब तक कोई रिपोर्टिंग क्यों नहीं की। लोगों के इस मुतालबे को और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मानव समाचार ने अपनी ज़ाती जिम्मेदारी समझी। जिस शख्स की तरफ से ये वीडियो वायरल किया जा रहा है, ज़ुबैर मोहम्मद चाउस, उनको भी हमने यहाँ पर आज मानव समाचार के स्टूडियो में बुलाया है, और डॉक्टर के पक्ष में जिन्होंने अपना एक मालेगांव के न्यूज़ चैनल को जिन्होंने बयान दिया, मालेगांव शहर के मशहूर सोशल वर्कर जिया मुस्कान, जिनका एक वीडियो तेज़ी से खबरों के ज़रिए वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि डॉक्टर ने उनको जो बताया वो सारी बातें सुनने के बाद उनको लगता है कि डॉक्टर की इस मामले में कोई गलती नहीं है। आपको बता दें कि जो बच्ची है मंतशा के वालिद मोहम्मद ज़ुबैर के मुताबिक ये मामला अक्टूबर का है। अक्टूबर महीने में उस बच्ची को इन्होंने आयत हॉस्पिटल इलाज की गरज से लेकर ये गए थे, और वहाँ पर गलत इलाज, गलत ट्रीटमेंट की वजह से उस 6 साल की बच्ची ने अपनी आंखें, अपनी बिनाई खो दी है। मामला बड़ा संगीन है, जाहिर सी बात है इस तरह के मामले में कोई भी बाप हो उसका दर्द छलकता है। इन सारे मामलों की क्या सच्चाई है, एक्चुअल उस रोज़ क्या हुआ, किस तरीके से ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलाई गई, और उसके बाद ये जो मामला हुआ उस बच्ची के साथ, ये पूरा मामला पेश आया, इन सारी बातों की सच्चाई के लिए हमने मोहम्मद ज़ुबैर को भी बुलाया है, और डॉक्टर का पक्ष जिन्होंने रखा था जिया मुस्कान, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिया मुस्कान जी, ये पूरे मामले में आपको क्या पता है, आप तक क्या वो पूरे मामले की सच्चाई आई, और उसके बाद आपका एक बयान आता है, उस बयान में आप कहते हैं कि डॉक्टर आफाक की जो है, जैसा कि डॉक्टर आफाक ने आपको बताया उसके मुताबिक, यानी उनके बयान के मुताबिक आपको लगता है कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं जो बाइट दिया हूँ जी, बाइट में मैंने सबसे पहला एक जुमला ये बोला था कि भाई जो बच्ची है 6 साल की मासूम मंतशा की आँख की बिनाई चली गई। मैं उस बात को, मतलब जो है, तो मुझे बहुत फील हुआ, यानी दुख भी हुआ, क्योंकि मुझको लड़के नहीं है, लड़के हैं बच्ची नहीं है। बच्ची नहीं होने की बुनियाद पर मुझे एक हमदर्दी हुई कि यार भाई क्या मामला है। मैं सोशल मीडिया पे जब ज़ुबैर भाई की वीडियो देखा, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पूरी बात तफसीली तौर से उनसे पूछा, वो पूरा उन्होंने बताया कि भाई बच्ची को तकरीबन आधा पौन घंटा उनको जो है तो बच्ची को झटका आ रहा था मंतशा को, और भी बहुत सारी मेडिकल लाइन से उन्होंने बहुत सारी बात बताई। तो उस बुनियाद पर, मतलब जो है तो भाई एक बाइट ले के हम लोग जो है तो सोशल मीडिया पर उसको वायरल भी किए कि यार भाई इस तरीके से, मेरा खास बोलना ये था ज़ुबैर भाई को कि इस तरीके से हम किसी की इज्जत नफ्स से, मतलब वो नहीं कर सकते, अगर कोई मामला हुआ है
तो उसको आपस में बैठ के उसकी सुलह होना चाहिए, मगर इन्होंने पहले वीडियो वायरल कर दिए थे, तो उस बुनियाद पर डॉक्टर साहब ने भी उसका जवाब दिए है ना न्यूज़ के जरिए। मेरा यहाँ पर यह बोलना था कि मैं कल जब सुना ये बात डॉक्टर के और इनका वीडियो देखने के बाद और उनसे जो बात सुना, सुनने के बाद आज मैं मेरा एक और बाइट के अंदर एक और बोलना यह था कि बच्ची के लिए मैं अपना वक्त तो फीस अबीरुल्ला लगाऊंगा, उस बच्ची की बिनाई के लिए कोशिश करूंगा, सिपा देना अल्लाह के हाथ में, मगर मैं अपनी अपना वक्त तो लगाऊंगा और बच्ची के वालिद से मिलूंगा और मिल के उस मामले में जो है तो बच्ची के इलाज के लिए पूरी कोशिश करूँगा। आज उसी बुनियाद पर जो है तो मैं आज दोपहर में ज़ुबैर भाई के पास गया, हमारे सैफ न्यूज़ के मंसूर भाई थे, उनको भी फ़ोन लगाया मगर वो कोई वजह से नहीं आ पाए, मुजम्मिल साहब को मेरे साथ में भेजे, तो मैं इनसे मिला और इनसे मिलने के बाद जब इनसे भी पूरी तफसीली मालूमात लिया कि मामला क्या था, आज जब इनसे सुना तो मुझे ऐसे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार भाई हमारे डॉक्टर आफाक साहब के जो स्टाफ है, स्टाफ की तरफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही हुई है, ज़रूर हुई है। हम इन्हें उनको पूरा जो है तो ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि यार भाई उनकी कहीं कोई गलती नहीं है, मगर उनके स्टाफ की तरफ से कहीं ना कहीं ज़ुबैर भाई के बताने के हिसाब से पूरी तफसील, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर आफाक के जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, स्टाफ में आरएमओ हो चाहे सिस्टर ब्रादर हो, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसकी बुनियाद पर मतलब आज इनको ये कदम उठाना पड़ा ज़ुबैर भाई को, है ना, इनको इनके दिल पे ठेस पहुंची बच्ची के मामले से लेके। मगर ये मामले मैं आज जब ज़ुबैर भाई से सुना तो मुझको भी थोड़ा सी इस बात का एहसास हुआ कि यार भाई बोलना चाहिए, हक की बात है, रीत की बात है, सच्चाई सामने आना चाहिए, जो भी इस बुनियाद पे आज मैं बात कर रहा हूँ। कुछ अगर स्टाफ की जानिब से या दूसरे किसी बंदे की जानिब से अगर कोई बात हो जाए तो मेरा बोलना यह था कि यार हम इनके ऊपर इस तरीके से यानी किसी की इज्जत नफ्स से नहीं खेल सकते। मेरी खाली ये चाहत थी और पहली चाहत ये थी कि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके साथ जो हुआ उसका इलाज होना चाहिए। मैं इलाज के लिए एलानिया बाइट दिया हूँ, मेरा पहला हमदर्दी के जो मेरी बाइट थी बच्ची की तरफ से, कल भी और आज भी मैं उस बच्ची के साथ में हूँ, उसके वालिद और वालदैन के साथ हूँ, क्योंकि मुझको बच्ची अल्लाह पाक ने नहीं दी है, बच्ची की नहीं होने की बुनियाद पे मैं कल भी ये बात बाइट में बोला और आज भी उसके वालिद को बच्ची को गोद में लेके बोला कि भाई मैं इस बच्ची के लिए इलाज के लिए जो वक्त लगेगा मैं पूरा देने के लिए राजी हूँ, बाहैसियत एक सोशल वर्कर और जो हमें दीन और इस्लाम की तरफ से जो इजाज़त जो मिली है, जो हदीस की रोशनी से और जो उल्मा की तरफ से जो बताया हुआ तरीका है, उस बुनियाद पर मैं ये भाई को सुलह करने की एक बात रखा था। अच्छा, बस मेरा यही चाहता था कि बच्ची का इलाज हो और बच्ची की आँख की बेनाई वापिस आ जाए, शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, कोशिश करना मेहनत करना हमारा काम है। बहुत अच्छी आपने बात कही कि बच्ची को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए, बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से ये जुमला। थोड़ी सी गलती मेडिकल स्टाफ की, आपने जैसा के कहा कि इसमें थोड़ी सी गलती मेडिकल स्टाफ, कहीं ना कहीं लापरवाही है, थोड़ी सी जो गलती है वो मेडिकल स्टाफ की है, तो क्या पूरी गलती इसमें कहीं डॉक्टर की नहीं है जो उस हॉस्पिटल का जिम्मेदार है? एक बात ये, दूसरी बात जहाँ तक हमने सुना है डॉक्टर का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता, इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ किसी भी डॉक्टर को उसके मजहब के तौर की हैसियत से जो है उसको पुकारना ये दुरुस्त नहीं है। डॉक्टर जो है वो कौम की मुल्क की मिल्लत की अमानत होता है और उसके सामने पेशेंट सिर्फ एक पेशेंट होता है, फिर वो किसी भी धर्म का हो किसी भी समुदाय का हो उसका इलाज करना उसकी जो है एक नैतिक जिम्मेदारी। बैर कैप, आपने जो कहा कहीं आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर इसमें डॉक्टर साहब को भी जो है अपनी जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए था, क्योंकि वो पूरे हॉस्पिटल के जो मेन करता धरता है वो वही है, उन्हीं के अंडर में चल रहा है, फिर वो अपने आप को इस पूरे मामले से कैसे अलग कर सकते हैं? नहीं देखिए, ये बात तो उन्होंने खुद डॉक्टर आफाक ने कही है कि भाई हमारे शहर अजीज मालेगांव के मशहूर मारूफ लीडर शेख रशीद साहब के फर्जन अर्जुमन इमरान भाई से उन्होंने कुछ बात की है कि भाई हमें इस मामले में जो है तो ज़ुबैर के मतलब बच्ची के वालिद से मिलना है और उनसे बात करके जो भी मामला है उसको सुलह करना है, उन्होंने तो खुद भी कहा ना।
तो आप ये चाहते थे कि भाई आपसी समझौता जो है ये हो जाए। मैं ये चाहता था, आपने कहा, मैं ये चाहता था कि बच्ची का इलाज हो। जी बच्ची के इलाज के लिए सोशल मीडिया पे जो है इन्होंने जो बताया है, जो भी बोला अपना दर्द जो भी इन्होंने बताया, तो आप ये चाहते थे कि भाई ये ना बताते हुए आपस में जो मिल बैठ के बात कर लेते। ये मामला जो आज से 4 महीने का है, 4 महीने तक जो कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। देखिए 4 महीना पहले तो हमें तो कोई मालूम ही नहीं था ना, कल बात मालूम पड़ी ना, कल जब इन्होंने वायरल किया वीडियो तो कल मालूम पड़ा। और मैं ये चाहता था कि उस बच्ची को मैं बाइट दिया हूँ, बाइट के अंदर ये बात बोला हूँ कि मैं उस बच्ची के इलाज के लिए अपना वक्त और सब कुछ कुर्बान करने के लिए फिर जबिल्ला लगाऊँ मैं उसके इलाज के लिए। मेरा तो कल भी ये जुमला था और आज भी यही जुमला है और इसी बुनियाद पर मैं इनसे मिला हूँ आकर। मेरे बाजू में ये जो शख्स बैठा हुआ है मोहम्मद जुबैर, जो कि मंतशर बच्ची का बाप है, इस बच्चे के बाप ने 4 महीने में इस शख्स के पास जो कुछ भी असासा था उसने अपना कुल असासा बेच दिया, यहाँ तक कि घर के जो भी मामला थे घर तक भी जो है इन्होंने वो बेच दिया। और कहीं से कर्ज लेने वाली बात ये, कर्ज भी इन्होंने ले लिया और आज जो है कई लाख रुपए इन्होंने जो है अपनी बच्ची के लिए जो है लगा दिया है, बरोबर 6 लाख के आसपास जो है तकरीबन इन्होंने लगा दिया है। और उसके बाद जब इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पाता है तो उसके बाद जो है ये आदमी फिर जाहिर सी बात है कि उसको कहीं ना कहीं से अपनी उस बच्ची को देखकर उसकी महरूमियों को देख कर दुख होता है, सही बात, और वो तड़प आती है। अब ऐसे इतने सीरियस केसेस में कैसे बैठ कर समझौता हो सकता है, बंद कमरे में बात हो सकती है? नहीं, यहाँ देखिए प्रिंस रहमान साहब, मैं समझौता और बंद कमरे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कल भी बैठ के अंदर ये जुमला बोला हूँ कि उस बच्ची का जो बनाई गई है उसके इलाज के लिए मेरी जो अपनी बात है मैं वो बता रहा हूँ। कल बाइट भी है मेरे पास और आज भी मैं इसके वालिद से दोपहर में यही बोला कि उस बच्ची के इलाज के लिए, उसकी बिनाई के लिए जो भी वक्त लगेगा, कहीं जाना पड़ेगा, बैरून शहर जाना पड़ेगा, तो मैं आपके साथ उस बच्ची के इलाज के लिए पूरा मुकम्मल तौर से मैं आपके साथ रहूँगा। ये मेरा खाली इतना बोलना है, मेरे को अल्लाह पाक ने लड़की नहीं दी है, बस यही हमदर्दी में मैं उसके उनके पास आया। सारी अच्छाई अपनी जगह, मगर अगर उनके यहाँ पर इस तरह का कोई मामला होता है तो उसको कबूल करना भी उनकी अपनी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी। और फिर जो है इन फ्यूचर जो है उस बच्ची के लिए क्या किया जा सकता है उस पर बहस होती, ना कि इस तरीके से जो कि व्हाट्सएप पर आप लोगों ने एक तरह की जंग छेड़ रखी है कि ये सही है या ये गलत है। नहीं, ये गलत है। हम चाहते थे इसका कोई आप लोग आपस में बेहतर हल निकाले, मगर बजाय उसके हमको लगा कि ये जो है एक व्हाट्सएप वार शुरू हो गई। नहीं, ये तो मैं इनको मना किया इस तरह की जंग, क्योंकि देखिए आपसे किसी ने नहीं कहा था कि आप जो है डॉक्टर साहब का गुनगान करें। ये मालेगांव शहर में कई सोशल वर्कर है, ये जुमला भी बोला, कहीं ना कहीं डॉक्टर के लापरवाही हो सकती है, है ना, जो भी है। मैं ये आपको ये बोल रहा हूँ प्रिंस रहमान, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि मैं बच्ची की हमदर्दी में आगे आया हूँ। बच्ची की बेनाई के लिए मैंने कल भी मैंने इनको आज दोपहर में बोला कि देखो आपस में उलझ के लड़ के अभी बच्ची का जो इलाज का मामला है पहले उसको देखा जाए, इस तरीके से उलझो मत मेरे भाई, आपकी बच्ची है। मैं पूरा उसका, मेरे दिल पे ठेस पहुंच गई है कि उस बच्ची की बिनाई चली गई है, उसके इलाज के लिए मैं आपके पास आया हूं और उसके इलाज के लिए हम डॉक्टरों से मशवरा करेंगे कि इसका इलाज कहां होगा, कैसे होगा। मैंने उनसे ये बात की आज, बैठे वालिद उससे उनसे पूछ सकते हो आप, नहीं पूछो, नहीं बोला हूँ आपको ये बात। आपने क्या बोले मुझको कि ठीक है आप जो है तो उसके इलाज के लिए क्या डॉक्टरों से बात है वो करो कि भाई उस बच्ची की बिनाई गई है, 6 साल की मासूम बच्ची है, उस बच्ची की बिनाई गई है, उसके इलाज के लिए मैं कल भी वादा किया था और आज भी मेरा यहाँ पर यही बोलना है कि उस बच्ची के इलाज के लिए हमें क्या लाया अमल तैयार करना है, या आपसी झगड़े ख़त्म करो, हमें अपने पहले बच्ची को देखना है कि बच्ची का इलाज किस तरीके से हो। मैं बोला ना कि यहाँ कहीं ना कहीं डॉक्टर के स्टाफ की तरफ से लापरवाही, भैया तो बोला ना कोई भी इलाज बिना डॉक्टर के पूछे हुए
लाइन ऑफ कंट्रोल सब, क्या वहाँ पर असिस्टेंट हजार पेशेंट वहाँ जाते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, मालेगांव में सब हॉस्पिटल में हजारों पेशेंट जाते हैं, अच्छे होते हैं, निकलते हैं, कहीं ना कहीं अगर कभी कोई ना कोई मामला अगर कैसे होते। अब ये देखिए, मौत का और सिपा दोनों हाथ अल्लाह के हाथ में, बरोबर है। मौत का और सिपा देना अल्लाह के हाथ में। हम पूरा पूरा डॉक्टर के ऊपर थोड़ी थोप सकते हैं कि बस तेरी वजह से हो गया। मगर मैं ये भी बोल रहा हूँ कि पूरा पूरा मामला ऐसा भी नहीं कि वालिद की गलती होंगी या डॉक्टर की होंगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा मकसद खाली ये है कि भाई ठीक है, लापरवाही कहीं भाई जो होना था हो गया। अब यहाँ से उस बच्ची के इलाज के लिए हमें एक लाया अमल तैयार करके, एक डॉक्टरों से मशवरा करके उस बच्ची के इलाज के लिए अपने कदम उठाना है। मेरा मकसद सिर्फ कल भी यही था और आज भी यही है। मैं किसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसके पक्ष में नहीं हूँ, लापरवाही को भुला दिया जाए, वो मेरा मसला नहीं है। वो मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला सिर्फ ये है, मैं उस बच्ची को जो है तो उसके इलाज के लिए मैं आ गया हूँ। चलिए ठीक, कल भी मेरी वाइट है, कल भी मेरी वाइट है और आज भी मेरा वही बोलना है। कल भी जो मैं बात बोला उस पर मैं कायम हूँ और आज भी वही बात पे। तो हम जानना चाहते थे कि कल जो बयान मालेगांव शहर के मशहूर सोशल वर्कर जिया मुस्कान की तरफ से दिया गया है, वो बयान की सच्चाई क्या है। माफ करना मानव समाचार बेजमीर चैनल नहीं है, हम सब जमीर वाले हैं, इसलिए हमेशा बाजमीर होकर अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। ऐसे ही तमाम खुलासे के साथ देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।